हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बनाने की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि ना ही ये फटेंगे और ना ही ज़्यादा तेल सोखेंगे। साथ ही हम बनाएंगे इसमें व्रत वाली चटनी, जो कि आप वड़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप साबूदाना, जिसे 2 से 3 बार मैंने अच्छे से धो के और उसे 1/4 कप पानी में मैंने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से सोक कर लिया था, जिससे यह गल चुका है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हरी मिर्च, और इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर वड़ों में आता है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच मूंगफली। ये मैंने मूंगफली को रोस्ट कर दिया था, इसके छिलके हटा के इसे दर दरासा कूट लिया था। इससे बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर इसमें ऐड होता है। अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, जो भी आप व्रत में खाते हो, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा या फिर नॉर्मल जीरा भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने पहले से ही बॉयल करके रख दिया था। तो आलू को अच्छे से मैश करके इसमें ऐड करें। और इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेमन जूस, जिससे कि अच्छा सा टैंगी फ्लेवर इसमें ऐड होगा। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा दबाते हुए इसे मिला लेंगे। तो मिक्सचर हमारा रेडी है, बना लेते हैं इसके वड़े। आप इसे हल्का सा प्रेस करते हुए इसके वड़े बनाएं। आप जो चाहें इसे शेप दे सकते हैं, या तो आप इसे टिक्की की फॉर्म में, या तो फिर आप इसे गोल बॉल्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं। पर यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी एजेस को आपको एकदम स्मूथ रखना है, जिससे कि ना ही आपके वड़े फटेंगे और ना ही ज़्यादा तेल सोखेंगे। तो एजेस हर तरफ से अच्छे से स्मूथ हो गई हैं। इसी तरीके से हमें सारे वड़े बना लेने हैं। देखिए कितना अच्छा परफेक्ट सा शेप आया है। तो सारे वड़े बनाकर पहले आप तैयार कर दें, और इन वड़ों को आप 10 से 15 मिनट के लिए हवा में रख दें, जिससे कि वड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब बना लेते हैं व्रत वाली चटनी, जिसके लिए 2 बड़े चम्मच मैंने ली है भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, और साथ ही ऐड कर रही हूँ इसमें 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करें हरी मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता और सॉल्ट एज पर टेस्ट, जो भी आप व्रत में खाते हों। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच दही। यहाँ पे मैं पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, और दही जो मैंने ली है ये एकदम फ्रेश है। खट्टी दही का बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ ना करें। तो अब इन सभी चीज़ों को हम पीस लेंगे, और चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसे निकाल देंगे हम एक बोल में। कंसिस्टेंसी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे तड़का भी दे सकते हैं। चटनी हमारी रेडी है, चलिए फ्राई कर लेते हैं वड़े, जिन्हें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो वड़ों को हमें बहुत ज़्यादा हाई हीट पर फ्राई नहीं करना है। इन्हें हमें तेल एक बार अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद लो टू मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा धीमी आँच पर अगर आप फ्राई करेंगे तो ये फट जाएंगे, तेल में बिखर जाएंगे और तेल भी बहुत सोख लेंगे। और बहुत ज़्यादा गर्म तेल में फ्राई करने पर ये बाहर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से एकदम कच्चे रहेंगे। तो वड़े तेल में डालने के बाद में आप उन्हें एक बार बिल्कुल भी टच ना करें, जब तक कि आपको लगे कि वो हल्के से लाइट ब्राउन नहीं हो रहे हैं नीचे से। उसके बाद ही आप सबसे पहली बार उन्हें पलटें, ताकि इस तरीके से वो नीचे से चिपकेंगे भी नहीं और एक अच्छी सी कोटिंग उनके ऊपर नीचे से सेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम सभी वड़ों को फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम हीट पे, अलटते पलटते, जब तक कि वो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। इस तरीके से जो वड़े हैं वो बाहर से क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बनेंगे एकदम सॉफ्ट। तो वड़े अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इससे ज़्यादा इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। तो आप आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी से साबूदाना वड़ा बने हैं, जिसे आप इंजॉय करें व्रत वाली चटनी के साथ। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो आप इन्हीं सभी ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करके जब भी वड़ा बनाएंगे, आई एम श्योर आपके वड़े भी एकदम बनेंगे परफेक्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।